तो जन्नत की हूरें दुआएं करती हैं, या अल्लाह रमज़ान में हमारे रोज़ेदारों में खामिद मुकर्रर फरमा, हमारे उनसे निकाह फरमा। वो जन्नत में उनके निकाह हो रहे होते हैं, वो यहाँ मौजूद होते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक फरिश्ता ऐलान करता है, या बागल खैर अबशर व अकबिल, अकबिल व अबशर, ए नेकी के करने वाले आगे और आगे बढ़ो, तुझे खुशखबरी हो, तेरे लिए बड़ी नेमतें हैं। व या बाग शर यम व अक्सद, ए बुराई के करने वाले बस कर और वापस आ जा, बस कर और वापस आ जा। ये हर वक्त ऐलान हो रहा होता है, हर वक्त ऐलान हो रहा होता है। आधी जबान से अल्लाह की कसम कोई कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, आइंदा नहीं करूँगा, 100 साल के नहीं 1000 साल के गुनाह भी होंगे तो यूँ माफ़ हो जाएंगे। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। मेरी तरफ से तमाम अहले ईमान अहले इस्लाम को रमज़ान की पहली रात मुबारक हो, पहला आशरा मुबारक हो। पहला आशरा ये रहमत का होता है, मर्सी का होता है, और दूसरा मग़फ़रत का होता है। 10 दिन रहमत के, 10 दिन बख्शिश के, 10 दिन जहन्नुम से आज़ादी के। तो जुम्मे रमज़ान की शाम होती है तो फौरन आसमान के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, आसमानी दरवाज़े खुले रहते हैं, शयातीन ऊपर तक जाते हैं और फरिश्तों की बातें सुनकर नीचे आके आमलों को बताते हैं उनके कानों में, वो आगे लोगों को बताते हैं उनकी रोज़ी रोटी चली हुई है, लोग अपने वहम का शिकार होकर अपना पैसा ज़ाय कर रहे हैं। ज़िमन में बात आ गई, मेरी गुजारिश है आमलों से बचो, कुरान सबसे बड़ा अमलियात है, कोई मसला हो कुरान सबसे बड़ा अमलियात है, कुरान को वसीला बनाओ और अल्लाह से मांगो। तो पहली रात के होते ही जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, आसमानी दरवाज़ों पर पहरा लग जाता है और उस पर दरवाज़े भी बंद हो जाते हैं, शयातीन ऊपर जाएँ तो उनको रुजूम लिशयातीन, उनको फिर अंगारे पड़ते हैं ज़बरदस्त, जिससे वो जल के राख हो जाते हैं। लिहाजा रमज़ान में वो ऊपर नहीं जाते और बड़े जितने शैतान हैं वो सब कैद हो जाते हैं। और इस रिवायत का एक मतलब ये भी बयान किया जाता है कि सारे शैतान, लेकिन हदीस पाक में आता है तसफ़ुदु फ़ीहि मरदतुश्शयातीन। इस महीने में जो सरकश किस्म के शैतान होते हैं उनको कैद कर दिया जाता है। और एक हवा चलती है जिसको मुसीरा कहते हैं, तो जन्नत सारी खुशबू से महक जाती है। तो जन्नत की हूरें वो दरवाज़ों पे आकर कहती हैं रिजवान से, जो GM है, जनरल मैनेजर है जन्नत का, कि रिजवान ये कैसी रात? तो वो उन्हें बताता है कि यह रमज़ान की रात है, आज की रात जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए रोज़ेदारों के लिए, जहन्नम के बंद कर दिए गए रोज़ेदारों के लिए। और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कोई है मांगने वाला, अल्लाह का अर्श सबसे बड़ी जो दौलत है, जन्नत भी सब कुछ है और बड़ी नेमत है, लेकिन अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। अल्लाह ताला आने और जाने से पाक है, अल्लाह ताला ला मकान ला जमान है, लेकिन जैसे मेरे नबी ने फरमाया हम वैसे नकल करते हैं, और इसकी मुराद क्या है वो अल्लाह पे छोड़ते हैं। तो अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, हल मिन सालिन फअतीह, कोई है मांगने वाला कि मैं उसे अता करूँ, हल मिन मुस्तग़फिरिन फअग़फिर लहू, है कोई बख्शिश का चाहने वाला कि मैं उसकी बख्शिश करूं। बिक सवाल करते हैं, हमने तो बड़ा मांगा हमारी तो सुनता नहीं। तो वो कहता है उजीब दावत दा इदा दा आन, मैं ज़रूर सुनता हूं
ये हो ही नहीं सकता कि मैं ना सुनूं। सुनाने के कुछ कानून हैं, उनको फॉलो करो तो मैं सुनता हूँ। मसलन किसी की कमाई हराम है तो उसकी दुआ रुक जाती है, सुनता उसकी भी है, लेकिन दुआएं कबूल होने के लिए एक हदीस याद आ गई। एक साहब ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह उरीदु अन तुस्तजाब दावती, मैं चाहता हूँ मेरी दुआएं कबूल हों। आपने फरमाया, इज्तनिब मिन अक्लिल हराम तुस्तजब दावतुक। ये बड़े ज़माने बाद मुझे ये जुमला याद आया। आपने फरमाया, हराम खाना छोड़ दे तेरी दुआएं कबूल होंगी, रिस्क हराम छोड़ दे तेरी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह ने इतना वादा किया है कि मैं देता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी है। शैतान कहता है कैसे गुजारा होगा, रिश्वत नहीं लोगे कैसे गुजारा होगा, तुम्हारा कारोबार है सारे बाजार वाले झूठ बोल रहे हैं, तुम सच बोलोगे तो तुम्हारा सौदा कौन खरीदेगा। तो इस सब का अल्लाह ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे बंदो घबराओ नहीं, पालने वाला तुम्हारा अल्लाह है, सिर्फ तुम्हें नहीं पालता कुल कायनात को पालता है। इन्नल्लाहु रज़्ज़ाकु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, कुरान शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान को ख़त्म किया कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रब पे शुरू किया रब पे ख़त्म किया। कि इसमें हमें बहुत धोखा लगता है कि रोटी कहाँ से खाएंगे, बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, तो राज़िक अल्लाह है। नमाज पढ़ो नफल पढ़ो, और ये ना को मेरी सुनता नहीं, अल्लाह की कसम कबूल करता है और ज़रूर कबूल करता है। मुसल्ला ना छोड़ो, आजमाता है। एक दुआ मैं 10 साल मांगता रहा, दुआ नहीं छोड़ी, और हमेशा ये कहता मेरे मांगने में कमी है, देने वाला बहुत करीम है। 10 साल के बाद जाकर मेरी उस दुआ की कबूलियत के आसार ज़ाहिर हुए। हम 2 मिनट की मांगते हैं और वो भी आंखें ऊपर होती हैं और आमीन आमीन, वो मौली साहब रटी रटाई दुआ मांगते हैं, वो तो दुआ ही नहीं। जो फ़र्ज़ों के बाद दुआ की जाती है वो तो रटे रटाए जुमले हैं, दुआ कैफियत को कहते हैं ना कि चंद अल्फाज को। तो रमज़ान का इस्तकबाल करें भाई, कमाई हराम है तौबा, हलाल पे लाने की कोशिश शुरू कर दें, एकदम तो नहीं होता, लाने की कोशिश शुरू कर दें। किसी से लड़े हुए हैं सुलह कर लें, माँ बाप को दुखी किया है उनके पाँव पड़ जाएं, बीवी से बदतमीज़ी की है उससे माफ़ी मांग लें, बीवी ने खाविंद से बदतमीज़ी की है तो वो खाविंद से माफ़ी मांग लें, बच्चे भाई बहन आपस में लड़े हुए हैं, जायदादों पर लड़ते हैं मालदार लोग, तो सुलह कर लें, मिट जाने वाली चीज़, तुम्हारा बाप छोड़ गया तुम भी छोड़ जाओगे, हमारा बाप छोड़ गया हम भी छोड़ जाएंगे। तो किसी के बारे में दिल में नफ़रत है तो दिल को साफ़ कर दो, और ये रमज़ान फिर गारंटी है कि आखिरी रात सारे गुनाहों को लधो के पाक कर लेता है। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान की क्या कीमत है तो तमन्ना करें कि या अल्लाह सारा साल ही रमज़ान कर दे। तो जन्नत की हूरें दुआएं करती हैं, या अल्लाह रमज़ान में हमारे रोज़ेदारों में खामिंद मुकर्रर फरमा, हमारे उनसे निकाह फरमा, वो जन्नत में उनके निकाह हो रहे होते हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरिश्ता ऐलान करता है, या बागिल खैर अबशिर व अकबिल, अकबिल व अबशिर, ए नेकी के करने वाले आगे और आगे बढ़ो, तुझे खुशखबरी हो तेरे लिए बड़ी नेमतें हैं, व या बाग शर यम व अक्सत, ए बुराई के करने वाले बस कर और वापस आ जा, बस कर और वापस आ जा। यह हर वक्त ऐलान हो रहा होता है, हर वक्त ऐलान हो रहा होता है। आधी ज़बान से अल्लाह की कसम कोई कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा आइंदा नहीं करूँगा, 100 साल के नहीं 1000 साल के गुनाह भी होंगे तो यूँ माफ़ हो जाएंगे। हमने तो क्लासिफिकेशन कर दिया, हम दीनदार लोग हैं हमारे लिए तो जन्नत है, ये दुनियादार लोग हैं
इनके लिए तो जहन्नम है। अरे भाई, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि हम सब, एक हदीस सुनाता हूँ, मेरा रब कहता मेरे बंदे तू इतने गुनाह कर आसमान की छत को लगा दे, अब मुझे बताओ कौन है इतने गुनाह करने वाला। हमारे गुनाह तो जानते ही नहीं जानते, जो सिर्फ 2,40,000 किलोमीटर है। और मेरा रब कहता है एक बंदा, एक बंदी इतने करे कि आसमान की छत को लगा दे, और फिर सिर्फ एक दफ़ा कहे या अल्लाह अग़फिर ले, माफ़ कर दे, तौबा, तो अल्लाह ताला फरमाता गफर तो लका वला, मैं कहता हूँ जाओ माफ़ किया, तेरे रब को किसी की कोई परवाह नहीं। इसलिए भाइयों, किसी को हकीर न जानो, ये तवायफ है, ये कंजर है, ये हमारी शान के ख़िलाफ़ है, हमारे साथ बैठे हैं। तो सब अल्लाह के बंदे हैं, पता नहीं किस बात पे अल्लाह ताला किसकी बख्शिश फरमाते। और इसमें कुरान की तिलावत को की कसरत फरमाएं, अपने दुनियावी काम मुख्तसर कर दें, अपने मुलाज़मों की ड्यूटी मुख्तसर कर दें, नवाफिल का अहतमाम करें, तहज्जुद का अहतमाम करें, तरावी शो 8 और 20 की लड़ाई में न पढ़ें, जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतना अजर है। मदीने वाले 40 रकात पढ़ा करते थे पहली सदी में, तो 20 रकात पढ़ोगे तो आपका ही फ़ायदा है, 8 पढ़ोगे तो 12 कम हो जाएंगी, उतना ही उसका नुकसान है। तो एक तो मैंने थोड़ी सी ये बात करनी थी, दूसरा ये बताना था कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने रमज़ान आए। हमारे नबी ने 9 रमज़ान देखे, अपनी ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे, और 10वें रमज़ान के आने से पहले रबीउल अव्वल में आप अल्लाह की बारगाह में पहुँच गए, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। तो आप तो खजूर पे रोज़ा रखते थे और खजूर पे इफ्तार फरमा लेते थे, कभी कभी खाना भी होता था, कभी कभी सहरी इकट्ठे होती थी। तो एक दफ़ा आप सहरी खा रहे थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम, हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद और इरबाज़ बिन सारिया, ये 3 सहाबी आपके साथ मिल के इकट्ठी सहरी कर रहे थे और बकरे की सिरी पकी हुई थी वो खा रहे थे। तो बिलाल आए, या रसूल अल्लाह सुबह हो गई, खाना पीना बंद करें, मैं अज़ान देने जा रहा हूँ। आपने कहा ठीक है। वो बाहर गए और वो एक अंसारी औरत का घर था, उसकी छत पे चढ़ के अज़ान देते थे। जब चढ़ने लगे ना तो फिर ख्याल आया मैं देख लूँ कि आप खा रहे हैं या बंद कर दिया। आके देखा तो आप खा रहे थे। उनका या रसूल अल्लाह वल्लाहि लक़द असबहता, अल्लाह की कसम सुबह हो गई। तो आपने हाथ रोक लिया, अरे बिलाल अभी सुबह नहीं हुई थी, तेरी कसम झूठी ना पड़ जाए, अल्लाह ने सुबह को पहले निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या हस्तियां हैं, अल्लाह ने कायनाती सिस्टम को भी झटका दे दिया। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर बिलाल कसम ना खाता तो जब तक अल्लाह के नबी खाते रहते सुबह ना होती। ऐसी बड़ी हस्तियां थे जिनकी कसम को अल्लाह यूँ पूरा करता था। तो आपने 9 रमज़ान देखे, आपने तरावी टोटल 3 दिन पढ़ी। एक ज़ईफ़ हदीस में आता है 20 रकात पढ़ी, लेकिन सही रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 पढ़ते थे, 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। चौथे दिन आपने, आप बाहर निकले ही नहीं और सहाबा इंतज़ार करते करते थक गए, तो आप बाहर आए और आपने इरशाद फरमाया मैं तुम्हारा शौक़ भी देख रहा था, इंतज़ार भी देख रहा था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं तुम पे ये नमाज फ़र्ज ना हो जाए। तरावी नाम तो बहुत बाद में रखा गया, असल तो ये क़ियामुल लैल है हदीस पाक में, क़ियामुल लैल। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत को उबई इब्ने काब पे जमा किया 20 रकात, और औरतों के इमाम मुकर्रर किए साहिब बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो वो मुझे अब याद नहीं कितनी रकात उनको कहा था, 8 या 20।
तो भाई इसको झगड़ा ना बनाओ, सोशल मीडिया पे जंग चली हुई है, एक नफल चीज़ है, नफल के लिए इतने झगड़े करना फरा। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और कितने बखेड़े हैं जिनमें उम्मत बर्बाद हुई पड़ी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ले कर लड़ना झगड़ना और इख्तलाफी मसाइल को जंग व जदल का मैदान बना देना, सदियों से उम्मत इस पर चली आ रही है और चलते जा रहे हैं। तो मेरे नबी ने 9 रमज़ान देखे और 3 दिन तरावी पढ़ी मस्जिद में, उसके बाद आपने नहीं पढ़ी। तो गोया उम्मत पे ये रहमत थी कि जिसकी हिम्मत है वो पढ़े, जिसकी हिम्मत नहीं है वो आधी पढ़ के आ जाए, 8 पढ़ के आ जाए, या ना ही पढ़े, सो जाए थका हुआ है। तो कोई इस पर ऐसा सख्त हिसाब कोई नहीं है। और आप रोज़ा जो ही सूरज का किनारा डूबता, तो एक आदमी, जब आप मदीने में आपका रमज़ान होता तो एक आदमी एक मकान की छत पे खड़ा होता था, तो उसके ज़िम्मे था कि जो ही सूरज डूबे इतला करे। तो जो ही सूरज डूबता था तो वो इत्तला करता था, या रसूलल्लाह ग़रबत, ग़ुरूब हो गया। आप साथ ही खजूर मुंह में डालते थे, पानी के साथ आपने रोज़ा इफ्तार किया, खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार किया, दूध की लस्सी के साथ आपने रोज़ा इफ्तार किया। तो हम भी रोज़े की इफ्तारी को सादा रखें, खजूर खा लें, कोई फल ले लें थोड़ा सा, पानी सादा पिएं, बर्फ़ वाला ना पिएं, फिर उसके बाद हल्का फुल्का खाना ले लें, फिर तरावी पढ़ें, उसके बाद आपने जो पीना है पिएं, जाम शीरी पीना है या रूह अफ़ज़ा पीना है, फिर जो पीना है पिएं, लेकिन इफ्तारी को हल्का रखें कि पूरे दिन की मेहनत ज़ाय हो जाती है। पूरा दिन जिस्म खाली काम करता है और एक हीट पैदा करता है, हम उसमें ठंडा पानी डालते हैं, एकदम हम आग को बुझाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि इफ्तारी के बाद जिस्म ऐसे गिरा पड़ा होता है, उठने को जी नहीं चाहता। लोग, बहुत से लोग इसलिए तरावी नहीं पढ़ सकते कि वो इतना खा लेते हैं कि उनसे उठा ही नहीं जाता। तो मेरे नबी ने 9 रमज़ान पाए, 3 दिन आपने तरावी पढ़ी, फिर बस इशा की नमाज़ पढ़ के घर, और 11 रकात आप तहज्जुद की जो थी क़ियामुल्लैल वो पढ़ते थे, और हज़रत आयशा ने फरमाया 4-4 करके पढ़ते थे। और ला तसअलन हुस्न हिन्न वतूल हिन्न, और ना पूछ उन उस नमाज की खूबसूरती और उस नमाज के लंबा होने को, और फिर आखिर में 3 वितर पढ़ते थे। तो जब आप सफ़र में होते थे तो एक आदमी किसी पहाड़ी पे चढ़ के खड़ा हो जाता था, चूँकि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ जो ही सूरज डूबता तो वो ऊपर से नारा लगाता, तो फौरन खजूर मुँह में डालते थे या पानी का घोंट लेते थे। एक दिलचस्प वाक़या भी हुआ कि बादल थे, तो बादल में तो है कि अंदाज़े से, अब हमारे पास तो घड़ियाँ, हमें पता होता है, उस ज़माने में घड़ी थी नहीं, तो अंदाज़े से सहरी ख़त्म करते थे, अंदाज़े से इफ्तारी ख़त्म करते थे, इफ्तारी करते थे तो वो कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता था। तो एक दफ़ा पूरे मदीने वालों का रोज़ा कज़ा हुआ कि सब ने इफ्तारी कर ली, अल्लाह के नबी ने भी कर ली, तो एकदम बादल हटे तो सूरज सामने खड़ा था। तो फिर ये रोज़े की कज़ा ईद के बाद की गई। तो भाइयों, रमज़ान को खूबसूरत बनाएं अच्छे अख्लाक के साथ, मीठे बोल के साथ, दरगुज़र माफ़ी के साथ, उल्फत व मोहब्बत के साथ, मार कुटाई, ज़ुल्म व सितम और नबी की मोहब्बत का कोई जोड़ नहीं है। हम उल्फत व मोहब्बत वाले बने, माफ़ करने वाले बने, दरगुज़र करने वाले बने, तो अल्लाह ताला भी हमें माफ़ करेगा। आपने फरमाया इरहम मन फिल अर्द यरहम का मन फिस समा, तो ज़मीन वालों पे रहम कर, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। इरहमु तुरहमु, तुम दुनिया वालों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। मल्ला यरहम ला यरहम, जो दुनिया में लोगों पे रहम नहीं खाता, अल्लाह उस पे रहम नहीं खाएगा। ये मेरे रब का
एक कानून है जो मेरे नबी ने बताया। अल्लाह में आपको अमल की तौफीक बख्शे। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम।